भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी एवं भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है। विनोद मालवी और उनके साथियों ने कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर कोई भी बैठक होती है तो कांग्रेसी उस बैठक में नहीं आते हैं और नगर पालिका के काम में अड़ंगा डालने आ जाते हैं। विनोद मालवीय ने कहा कि जब भी विकास के लिए कोई बैठक होती है तो कांग्रेस पार्षद बैठक में नहीं आते। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने कहा कि कचड़े के लिए स्थान जो प्रशासन द्वारा ढूंढा गया था, आज यहां कचरा फेंकने से कांग्रेस अपने तुच्छ राजनीति के कारण मना कर रही है, लेकिन कलेक्टर ने 3 साल पहले ही इस स्थान का चयन कर लिया था और 3 वर्षों से कचरा प्लांट अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब कांग्रेस के पार्षद भाजपा पार्षदों को परेशान कर रहे हैं कि वहां पर कचरा न फेंका जाए, लेकिन हमने शहरवासियों से स्वच्छता का वादा किया था, वो वादा हम निभाएंगे, जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए ये नहीं था कि 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। परासिया की शहर की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को लेकर जो षड्यंत्र, जिस प्रकार की गंदी राजनीति की जा रही, उस कारण आज आप सबको बुलाया गया है, उसी संबंध में बात करना था। विगत 8 दिनों से कचरा प्लांट, जो सेग्रेशन प्लांट है अपना, जहाँ कचरा एकत्रित होता है पूरे शहर का, उसको लेकर कांग्रेस के मित्रों द्वारा जो षड्यंत्र पूर्वक राजनीति की जा रही है कि शहर का कचरा नहीं जाएगा तो शहर परिषद की बदनामी होगी, ऐसा नहीं है। आज मेरे द्वारा परिषद नगर पर कचरे को लेकर चल रहे थे, उसको लेकर बैठक बुलाई गई, लेकिन कांग्रेस उसमें अपनी भाग नहीं ली। भाजपा के पूरे पार्षद, सभापति, उपाध्यक्ष उपस्थित, मुद्दा विहीन है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जबरन का वाइब्रेशन करके शहर में गंदगी फैलाकर यह बताना चाहती है कि सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब जमीन आवंटित हुई थी लगभग 2021 में, जमीन आवंटित हुई थी 2021 में, वो सेग्रेशन प्लांट बनके कंप्लीट हो गया था और वहाँ कचरे के सेग्रेशन का काम बगैर किसी परेशानी की कठिनाई के चल रहा था। कुछ कांग्रेस के नेता वार्ड नंबर 1 में जाकर इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं कि आप लोग यहाँ कचरा क्यों डाल रहे हैं, जबकि इसके पूर्व में पूर्व कलेक्टर महोदया भी उस सेग्रेशन प्लांट का निरीक्षण करके गई, उन्होंने किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं पाया था। तो उन्होंने आज शहर की व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है। कांग्रेस के पार्षद ने आज परिषद की बैठक में ना आकर ये बता दिया है कि उनकी सफाई के, नगर विकास के कार्य से या सफाई व्यवस्था से उनको कोई लेना नहीं, उनको षड्यंत्र कर सिर्फ व्यवस्था बिगाड़ना है और कोई मामला नहीं है। जो नगर विकास हित के काम भारतीय जनता पार्टी की परिषद कर रही है, वह कांग्रेस के पार्षदों को या कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरा है। भारतीय जनता पार्टी से शहर के हर नागरिक के जो काम, उनको दैनिक दिनचर्या के काम थे, वो किसी के लिए कोई परेशानी नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद से शहर का इंसान, शहर के आम नागरिक खुश हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।